हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज है हमारे साथ आकाश सर और फैंटेसी के कुछ सितारे जो आपको देंगे बहुत सारे इनसाइट्स कि आज क्या होगा चेन्नई वर्सेस हैदराबाद के इस गेम में। एंड साथ साथ कुछ सरप्राइजेस भी हैं, सम गॉडली सरप्राइजेस इफ आई कैन स्टार्ट विद दैट। हाउ आर यू डूइंग आकाश सर, एंड क्या लगता है आपको आज के गेम के बारे में? आई एम गुड यार। ये था कि जो कल का जो मैच था उसका थोड़ा हैंगओवर है, क्योंकि एक तो लेट मैच शुरू हुआ, फिर अक्षय की फेवरेट टीम जो है वो 20 ओवर तक 127 को लेकर गई, और खुश था अक्षय की जीत तो गए हैं कम से कम, पर मान कसम दम घोटू एकदम रात के 12:30 बजे। थर्सडे को मैच शुरू होता है, फ्राइडे को खत्म होता है, तो थोड़ा सा कॉमेंटेटर की लाइफ में थोड़ा लोचा आ जाता है। तो भाई अक्षय प्लीज अपनी टीम को बोल कि 127 बनाने तो जल्दी बना लो, वरना 70 पे आउट हो चलो घर यार, ताकि सब लोग खुश रह सकें। वैसे आज के मैच के अंदर इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि चेन्नई का मैदान है, चेन्नई में चेन्नई की टीम खेलती कमाल है, और हैदराबाद की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्ले अगेंस्ट स्पिन है। अब समस्या यह है कि जब हमने सबने इंक्लूडिंग मायसेल्फ, बाकियों का पता नहीं, कि जब मैंने टीम देखी थी हैदराबाद की, तो ऐसा लगा नहीं था कि वो 5 मैच के बाद नंबर 9 पे नजर आएंगे। वो टॉप 4 वाली टीम लग रही थी और नंबर 9 पे इस समय बैठे हुए हैं, और अगर ये मैच भी हार गए तो फिर तो दिल्ली के साथ कंपटीशन करना शुरू कर देंगे। तो ये कहानी थोड़ी सी कठिन हो सकती है उनके लिए, क्योंकि ये जो पिच है ये फिर एक बार इनकी प्लेइंग 11 को, इनकी खास तौर से इनकी बैटिंग को सूट नहीं करने वाली है। यस एब्सोल्युटली, ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेशन है। अक्षय, अब दिल्ली की बात हो ही रही है तो आप ही बता दो, आज हैदराबाद से आप किसके लिए वॉच आउट कर रहे हो? देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना, जब भी चेन्नई में मैच होता है तो हम सबको पता है स्पिन टू विन फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, तो किसके स्पिनर में ज्यादा दम है, जो हमें बहुत क्लियरली समझ आता है। सीएसके के पास जो स्पिनर्स है ना, खासतौर पे महेश थिक्षाना हो गए, और आज पूरा जो लाइनअप है एसआरएच का वो राइट हैंडेड बैट्समैन डोमिनेटिंग लाइनअप है। चाहे फिर हम ब्रूक की बात करें, अग्रवाल, त्रिपाठी, मार्क्रम क्लासेन, हेनरिक क्लासेन, ये सारे राइट हैंडर है। तो जडेजा, अब ऐसे स्पिनर भी जब आ जाते हैं गेम में तो काफी ज्यादा फायदा होता है। हो सकता है, मुझे लग रहा है सैंडनर को भी ये खिला लें, जो चांसेस लग रहे हैं वहां पे फायदा सिर्फ और सिर्फ चेन्नई को होने वाला है। अगर हैदराबाद की तरफ से हम किसी के लिए अगर देखें कि भाई प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, एडन मार्करम हो सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड सारे हैं, मोइन अली हो गए, रविंद्र जडेजा, दिवोन कॉनवे, ये सारे प्लेयर लेफ्टी है। तो आज का मैच बहुत मजेदार होने वाला है, और मैं चाहूंगा हैदराबाद भी दिल्ली के साथ कम्पीट करे, क्योंकि दिल्ली अकेली अच्छी नहीं लग रही है, और आज हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा ही लो स्कोरिंग टाइप मैच और जो मजेदार होगा दोनों तरफ से ऐसा नजर आ सकता है। और हाँ आकाश भैया, आपकी बात से मैं भी बोलना चाहता हूँ दिल्ली वालों को कि थोड़ा अच्छा खेले, थोड़ा ऐसा खेले, और वरना सबसे पता है कभी कभी अच्छा क्या हो जाता है, कभी कभी अच्छी ये चीज हो जाती है, जैसे मान लो दिल्ली पहली बार हो जाती है, अब आखिरी के मैचेस में हमारे इमोशंस ही खत्म हो जाएंगे, और जिसके इमोशंस खत्म हो जाते हैं वो बहुत अच्छी टीम बना लेता है। तो ये एक तरीके से फायदा भी लेके चल रहा हूँ जिस हिसाब से दिल्ली जा रही है, तो आरसीबी वाली फील आ जाती है, मतलब बिल्कुल आरसीबी वाली फील आ जाती है। ये है कुछ अलग एडवांटेज तो रिवॉर्ड्स नाम दे। यस, रिवॉर्ड्स बहुत सारे हैं, ₹1600 साइन अप बोनस भी है। ये जो हम वीडियो कर रहे हैं, आप कोई भी चैनल पर देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1600 साइन अप बोनस मिल जाएगा। और हमारे साथ आज है सिद्धांत और शुभम भी। तो सिद्धांत, आपके साथ स्टार्ट करेंगे, विन प्रेडिक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सिद्धांत, आपका विन प्रेडिक्शन क्या है आज के लिए, कौन जीतेगा ये गेम? हेलो वीरेन, देखो एक्चुअली आज चेन्नई का पिच है, अगर बैटिंग फ्रेंडली नहीं होता है जैसे फर्स्ट मैच में था, तो मुझे लगता है फिर तो कोई मतलब कि सोचने की बात ही नहीं है, सीधे चेन्नई का गेम होने वाला है, और ये एक तरीके से उनका फोर्ट्रेस है कि यहाँ पे फिर कोई उनको जल्दी आके हरा नहीं सकता। तो अगर मतलब थोड़ा भी स्लो हुआ विकेट ना, तो फिर हैदराबाद के तो फिर मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से बेड़ा गर्क होने वाले। ठीक है सिद्धांत, वी आर वन फ्रॉम चेन्नई, एनीवन फ्रॉम हैदराबाद, और वी आर गोइंग ऑल द वे चेन्नई? शुभम, आकाश एंड चेन्नई सर, चेन्नई। आई विल गो विद हैदराबाद बिरयानी, आई विल गो विद हैदराबादी बिरयानी, बट नॉट विद हैदराबाद, विद एक्स्ट्रा प्याज, विद एक्स्ट्रा प्याज। So we have a devil's advocate in Akash sir today, and maybe Hyderabad is the flavor for today. But Akash sir, on a serious note, what do you think? On this track with the poor record, जो Hyderabad batters का है spin के सामने, आपको क्या लगता है कैसा game जाएगा, and do you see them turning it around? No, actually मैं सिर्फ Hyderabad बिरयानी की तरफ था, Hyderabad team की तरफ नहीं था. So let me just make it very very clear. पलड़ा जो है यहाँ पे चेन्नई का भारी है. हाँ चलो कोई नहीं, मतलब वैसे भी कहते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, कहते हैं बिरयानी नहीं होती, वेजिटेरियन सिर्फ पुलाव होता है, जो उसको बिरयानी बोलता है वो गलत बोलता है। पर हैदराबाद के लिए
हैरी ब्रूक की एक समस्या है, वो स्पिन के सामने खराब खेलते हैं। राहुल त्रिपाठी ने पिछले दो मैच में रन नहीं बनाए। सी अगर इस टीम को अच्छा करना है तो उसके लिए मयंक अग्रवाल शुरुआत में, बीच में राहुल त्रिपाठी है थ्री, मार्क्रम स्पिन ठीक खेल लेते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड स्पिन पे थोड़ा फंसते हैं, पर वैसे स्पिन एक्चुअली ठीक खेल लेते हैं लेफ्ट हैंड स्पिन को छोड़कर। एंड देन हेनरिक क्लासेन एक्चुअली क्वालिटी प्लेयर है, ये एक्चुअली क्वालिटी प्लेयर है जो स्पिन को भी अच्छा खेलता है, जो नंबर पांच पे आई थिंक वन ऑफ द फाइनल बैटर्स होंगे अगर जो इस साल आप इस लीग में देख रहे हैं। बैटिंग में रन बनाने पड़ेंगे और थोड़ी सी सिलेक्शन भी, मैं तो लास्ट मैच में बड़ा हैरान था कि इन्होंने उमरान मलिक को ही नहीं खिलाया। तो आई मीन उमरान मलिक रॉ पेस है, दो विकेट आपको देता है, उससे पिछले मैच में हमने एक पावर प्ले में ओवर कराया था, वो कभी नहीं करते पावर प्ले में, वहां पे आपने उनको करा दिया उसको 28 पड़ गए, फिर आपने बॉलिंग ही नहीं कराई, भूल गए कि उमरान खेल रहा है। सो टीम सिलेक्शन विल बी क्रिटिकल कि आप क्या करते हैं, क्या किस टीम के साथ उतरते हैं, जो कि हैदराबाद की मुझे पिछले दो मैच में समझ में नहीं आई। पर पलड़ा वो वाली गलतियां कभी ना एमएस नहीं करते, महेंद्र सिंह धोनी को पलट के आप कभी नहीं कह पाते यार टीम खराब खिलाई है, यार इस बॉलर को ना कराना चाहिए था नहीं कराया, वो वाले काम सारे एमएस बिल्कुल ठीक करते हैं। तो इस वजह से एमएस की तरफ थोड़ा रुझान झुकाव ज्यादा रहता है, पर इस लीग ने ये भी समझा दिया है कि होम पे टीम्स आसानी से जीतती नहीं है, अवे टीम्स जो है उनका देयर एक्चुअली हैविंग अ गुड डे, सो मे बी देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल, पर प्राइमा फेसी विदाउट एक्चुअली नोइंग द टीम्स एंड द पिच एंड व्हाटएवर एल्स चेन्नई स्टार्ट्स एज़ वेल। आकाश सर, वैसे आपको लगता है कि आज के पिच पे उमरान मलिक सक्सेसफुल होंगे? अगर ड्राइव विकेट होता है तो मुझे नहीं लगता उतना उनका बाउंस होगा या कुछ होगा, वो फैक्टर भी मिस हो जाएगा। सिद्धांत मुझे क्या लगता है ना कि कैसी भी पिच हो, हवा सब जगह सेम होती है और वो बंदा एयर में तेज है, उसके पास एयर स्पीड है, जिसके पास एयर स्पीड हो सामने बैटर्स में आपको एक शिवम दुबे मिलेंगे जो बाउंसर के सामने जग जाहिर है कि प्रॉब्लम होती होती है। उसके बाद अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ को ना कोई बाउंसर मार नहीं रहा है, पर मारनी चाहिए, लास्ट ईयर रिमेंबर दुबई में मारी थी ऐसे करके खड़ी करके दो बार आउट करवा दिया था। फिर तीसरा बाद में अंबती रायडू भी आएंगे, मोइन अली, आई मीन यार चांस लेना है तो ऐसे बॉलर से लो जो कम से कम विकेट तो लेकर दे, और उमरान मलिक के पास वो पेस तो है यार, कितना भी सपाट पिच क्यों ना हो, ये इतना सपाट सा पिच होता है तो कई बार भूवी को नहीं मिलती विकेट, क्योंकि बॉल उस एंड तक उतने अच्छे से पहुंचती नहीं है, हवा में स्विंग होती नहीं है, तो फिर आप भूवी, क्योंकि आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, आप उनको हमेशा खिलाते हैं, पर बिटवीन हिम एंड उमरान अगर वो खिलाते हैं तो फैंटेसी टीम में आपकी भी उमरान रहेंगे, मेरी भी उमरान रहेंगे, हम भूवी को छोड़ देते हैं। तो अगर हमें ये बात समझ में आ रही है तो 11 में जो खिला रहा है उसको तो ये बात समझ में आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यस, एंड ये पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल है कि वो लो बाउंस आ जाए, बिकॉज़ स्पेस है प्लस लो बाउंस है, सो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी फॉर द बैटर टू फेस। यही चीज मैं वीरेन बोलने वाला था कि क्या होता है ना, जब ऐसे पिच पे हम खेल रहे होते हैं तो जो उमरान मलिक का पेस है, अब जो बैट्समैन एंटिसिपेट करके जाएगा वो उस पे नहीं आई, तो ये भी एक फायदा ही मिलेगा उमरान मलिक को और हैदराबाद को भी। तो उमरान मलिक को आज का मैच खेलना चाहिए, मुझे भी नहीं समझ आया ये वाला पॉइंट आकाश भैया का बिल्कुल सही था कि पिछले मैच में क्यों नहीं खिलाया उमरान को, ये बहुत ही उमरान की मेरी एक दुखती नस भी है, उसके बारे में आप बाद में समझोगे कि क्यों, बट उसके लाइन लेंथ वाला भी फैक्टर है। क्या बॉल मार दी थी क्या उमरान ने? नहीं, कुछ और है वो, बाद में हम जब पिक्स की तरफ चलेंगे तो आप समझ जाओगे, बट करेंटली एक और सरप्राइज जो आपके साथ शेयर करना था, एंड एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो सरप्राइज है 5 मिनट पहले ही आया, तो इन्हें भी पता नहीं, क्योंकि मैंने भी अभी अभी अपने ब्राउजर पर ही देखा है इस सरप्राइज को, तो मैं शेयर करूंगा अभी अपने स्क्रीन पर वो गॉडली सरप्राइज जिसकी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे। एक एक्सक्लूसिव चांस फॉर यू टू मीट द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। What are your first reactions? And basically, आपको क्या करना है? You just need to own this card. Reservation already खुली है. App link description में आप जाओ. And जो 1600 वाला bonus new users का है ना, वो पूरा use हो जाएगा यहाँ पर. Any first reactions? And I think आप इन सब के अभी आके phone की तरफ जा रही हैं. मुझे लग रहा है कि ये already reserve करने जा रहे हैं packs को. नहीं, actually आपने वो सबसे बड़ा surprise तो बताया ही नहीं कि virtual meet and greet भी होगा सचिन सर के साथ. Absolutely. उटस्टैंडिंग, आई टेल यू क्यों, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली कार्ड की तो अब बता बता के हम लोगों को एकदम पका चुके हैं कि भाई ये कार्ड आपके पास रहते हैं, आप इसके साथ हमेशा खेल सकते हो और मैचेस में इस्तेमाल कर सकते हो, ये इनका प्राइस इंक्रीज होता है, आप फिर भी अच्छा चलते हो, सब कुछ बता चुके हैं। पर
सचिन पाजी से मिलने के लिए ना बड़ी रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि पाजी से मिलवा दोगे, पाजी से मिलवा दोगे। मैं तो पाजी से नहीं मिलवा सकता यार, तुम बकवास ना किया करो। और यहाँ एकदम 100% आपके पास मौका है कि आप उनसे मुलाकात कर पाओगे। मेरे विचार में जो सबसे बड़ी चीज है वो इसमें वो पाजी के साथ वो जूम लिंक के ऊपर बात करना है। तो फिर प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाफट से कर लो, क्योंकि आई मीन कहने वाली बात नहीं है कि कौन बंदा है, मतलब कर लो फटाफट अभी। क्या और ऊपर से सचिन तेंदुलकर के फैंस के लिए, मतलब सभी फैंस हैं, तो मतलब दिखाने का मौका है कि कौन सबसे बड़ा फैन है। आराम से मिलो, मीट एंड ग्रीट करो, और फिर एक मतलब एक तरीके से कर सकते हैं ना, वंस इन ए लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, सिद्धांत भाई बिल्कुल सही बोला। और फैंस के अलावा भक्त भी हैं। यस बिल्कुल। सो ये अपॉर्चुनिटी आप मत मिस करो, ऐप लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब हम चलते हैं पिच कंडीशंस की तरफ कि आज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा हम वो बात को कवर कर चुके हैं, बट अब थोड़ा और डिटेल में। तो क्या लगता है आप सबको पिच कंडीशंस के बारे में? अक्षय, वी कैन स्टार्ट विद यू, क्योंकि आपकी विन प्रेडिक्शन मिस हो गई। तो विन प्रेडिक्शन, और आपको क्या लगता है इस पिच के बारे में, क्या होने वाला है यहाँ पर? पिच कंडीशंस की बात करें, अगर हम पिछले हम पिच को जब भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा हम पिछले मैचेस उठाते हैं कि इस पिच पे पिछले मैचेस कैसे खेले गए। तो पिछले मैचेस जितने भी मैंने उठा के देखे हैं, यहाँ पे स्पिन फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है। अब दूसरी चीज क्या आती है, ये एक ड्राई विकेट है। अब जब ड्राई विकेट हो जाता है तो पेसर्स को इतना हेल्प नहीं मिलता है स्विंग में, पावर प्ले में, और स्पिनर्स गेम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या, पिछले जो तीन मैचेस हुए हैं उसमें स्पिनर्स का डोमिनेंस लेवल बहुत हाई रहा है। अगर 14-14 विकेट गिर रहे हैं तो 8-8 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, 9 विकेट गिर रहे हैं तो 6 लेके जा रहे हैं स्पिनर्स। तो यहाँ पे अगर हम पिच को बहुत ध्यान से देखें तो हमें क्लियर हो गई, चलो एक आसान चीज हमारे लिए आ गई कि ये स्पिनर की पिच रहने वाली है, हमें स्पिनर्स को अपनी टीम में उठा लेना है। मुसीबतें कहाँ से शुरू होती हैं कि स्पिन कौन अच्छा खेलता है, कि हमें बैट्समैन कौन से लेने चाहिए, हम किस पे जाके भरोसा करें, कौन सा हमारा सबसे रिलायबल सोर्स है। तो हम लोग उन बैट्समैन पे फोकस करते हैं। अब जैसे स्पिन कौन अच्छा खेलता है, देखो माही भाई बहुत अच्छी स्पिन खेलते हैं तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते अगर चेन्नई पहले बैटिंग कर रही होगी। फिर उसके बाद अगर हम हैदराबाद से देखें तो मार्करम सबसे अच्छी अगर स्पिन कोई खेलता है तो मार्करम, स्पिन को कोई अटैक करता है तो राहुल त्रिपाठी है। तो ये अगर मैं पिच कंडीशंस को देखूं तो ये प्रॉपर स्पिनर की विकेट रहने वाली है, जहां पे जो स्पिन को अच्छा खेल सकता है, जो इनिंग्स को होता है ना कि बिल्ड करने वाले लोग, इसमें मिस एंड हिट जैसे हैरी ब्रूक टाइप बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ चल रहे हैं। तो यस स्पिन बिल्कुल, बहुत सारे स्पिनर उठा के रखने वाले, स्पिन टू विन इज अ पॉसिबिलिटी। शुभम क्या लग रहा है आपको यहाँ पर, कौन सा स्पिनर होगा आपका जीएल कैप्टन? सर आज के मैच में मेरे हिसाब से महेश दीक्षाना एक ऐसे प्लेयर है जो आज के मैच में हैरी ब्रूक को, और यहाँ पर अगर देखें तो मयंक अग्रवाल को बहुत तंग कर सकते हैं, क्योंकि महेश दीक्षाना सीएसके के लिए पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और जैसा कि आकाश भाई ने भी यहाँ पे बताया कि ड्राई विकेट रहती है। शुरुआत से धोनी जो है यहाँ पर लगा के रखेंगे स्पिनर्स को, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हैरी ब्रूक की जो मेन विकेट है, जो यहाँ पर सीएसके के लिए एक बहुत बड़ी चीज बन सकती है कि अगर हैरी ब्रूक चल गए तो यहाँ पर वो वन साइडेड यहाँ पर गेन कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आज यहाँ पर महेश दीक्षाना एक ऐसे प्लेयर बनेंगे जिनको हम ग्रैंड लीग में भी कैप्टन कर सकते हैं और स्मॉल लीग में भी, क्यों, क्योंकि महेश दीक्षाना का आपको बताऊं हैदराबाद के आगे रिकॉर्ड बहुत अच्छा, महेश दीक्षाना हैदराबाद के आगे बहुत अच्छा करते हैं, तो ये एक चीज है जिसकी वजह से आज महेश दीक्षाना कैप्टनसी के बहुत अच्छे ऑप्शन। Yes, fair enough. Akash sir, now that you've been at the ground a few times, what do you think? ऐसे ground पर chasing is the trickier part with the dew. यहाँ आपको लग रहा है कि batting first and then making use of the slower conditions later. आपको क्या लगता है dew का यहाँ कितना बड़ा impact होगा या छोटा, and chasing or batting first? Chasing bias तो है, chasing bias इसलिए क्योंकि ये dew आ रही है, और चेन्नई में हमने देखा जब dew आती है ना तो इतनी आती है कि almost ऐसा लगता है कि swimming pool में match खेल रहे हो, बहुत गीली हो जाती है बॉल। तो ऐसे में सेकंड इनिंग्स वही बात है, स्पिन ऑप्शन आपके पास बायस दिख रहा है, स्पिन ज्यादा अच्छा करते हैं, पर फर्स्ट इनिंग्स में जो स्पिनर्स बोलिंग कर रहे हैं आप उनके ऊपर थोड़ा डाउन ज्यादा खेलते हैं, आप जो सेकंड इनिंग्स स्पिन आएगी हो सकता है कि बॉल गीली हो और उतनी ज्यादा टर्न ना हो, तो ये एक ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा चेजिंग बायस है इसलिए आप बैटर्स जो है वो सेकंड टीम के थोड़े ज्यादा पिक करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें चेज होने के चांसेस ज्यादा, एंड ऑल्सो द लाइक्स ऑफ नॉट जस्ट ऋतुराज, ऋतुराज तो 100% दो मैच में पिछले आउट होके आ रहे हैं, और टू गुड अ प्लेयर की वो मिस आउट करेंगे, और इस पिच पे इस बॉलिंग के सामने मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए उनको। डेवन कॉनवे इज अ फिनोमिनल प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, तो वो भी स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, और देर इज अ रिलक्टेंस, अगर आप हैदराबाद में रिलक्टेंस देखें ना कि
वॉशी से बॉल नहीं कराता है, वो उतनी बॉलिंग नहीं कराते जितनी उनको करानी चाहिए, जबकि इस वाले मैच में बहुत सारे लेफ्टी आपको मिलेंगे, तो ये दोनों खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बैटिंग फर्स्ट में शिवम दुबे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग सेकंड में अजिंक्य रहाणे, और आपके पास अजिंक्य रहाणे तो अच्छी सेफ पिक है। आप चेजिंग में अगर आप आ रहे हैं तो अंबती रायडू को देखो, बैटिंग पहले आती है तो फिर शिवम दुबे को देखो, इन दोनों में से आप बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड के हिसाब से अपनी चॉइसेस कर सकते हो। तो पर मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो हैदराबाद की स्पिन डिपार्टमेंट एंड द एबिलिटी टू प्ले स्पिन, दैट इज देयर इशू, मतलब वो दोनों में सामने वाली टीम से इंफीरियर है इस समय। यस एब्सोल्युटली, एंड वॉशी ऑल्सो एट हिज होम ग्राउंड, ये बात जरूर याद रखना, तो मे बी यहाँ उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। एंड अब हमारे पिक्स पर चलने के पहले हम एक और चीज रिवील कर लेते हैं जो कल सिद्धांत भाई ने अपने ग्रुप पर रिवील की, तो हम सिद्धांत भाई को स्टेज दे देते हैं यहाँ पर, कि जो फ्री कॉन्टेस्ट आपने कल इतने प्यार से एक्सप्लेन किया, आप थोड़ा और समझा दीजिए सारे यूजर्स को कि कैसे चलता है एंड किस हिसाब से वो ये रिवॉर्ड्स को पैक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, पैक्स और कार्ड्स में। तो देखिए, वैसे तो मैंने अपने चैनल पे काफी अच्छे से समझाया था इसको, और ये कह सकते हैं ना, मतलब सारे ऑफर्स का बाप है अभी तक जितना भी मतलब रेडियो ने ऑफर दिया ना, ये सबका बाप है, ये कन्फर्म है। मैं इसलिए गारंटी के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें जितने भी न्यू यूजर्स है ना, उसमें लगभग गारंटी है कि सारे यूजर्स जब साइन अप करेंगे और यहाँ पे जो ट्रायल गेम्स है तो वो सबको दिखेगा वो वाला ट्रायल गेम, मतलब जो भी उनका नेक्स्ट आईपीएल मैच होगा उसमें बेसिकली ब्लू कलर में ये आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा, वहां से आप ट्रायल गेम को ज्वाइन करेंगे ना तो आपको फ्री में कार्ड्स मिलते हैं, 6 कार्ड्स मिलेंगे, उसमें से आप 3 प्लेयर की जो भी अच्छी लगी टीम बना लिए। और सबसे बड़ी बात, लगभग जितने लोग ज्वाइन करेंगे मतलब लगभग सबको गारंटीड यहाँ पे प्राइज मिल रहा है, वो भी रियल मनी, मतलब आज के दिन में कोई रियल मनी जल्दी देता नहीं है, तो ये फ्री में रियल मनी दे रहे हैं जिसका मिनिमम अमाउंट मुझे लगता है शायद 300 के आसपास है। Correct, मतलब अप्रॉक्स $5 रियल मनी आपको फ्री में मिल रहा है, और वो लगभग सारे न्यू यूजर्स को मिल जाएगा जो भी ज्वाइन करते हैं अभी अभी ज्वाइन करते हैं। लिंक है आपको YouTube चैनल पे दिख जाएगा सबको, और वहां से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सीधे सीधे वो फ्री कॉन्टेस्ट दिख जाएगा, प्लस $10 का बोनस भी मिल रहा है। अब आप इसको कार्ड खरीदने में कैसे यूज कर सकते हैं, $5 आप यहां से जीते एक तरीके से, और उसके अलावा आपको मिलेगा जो क्या कहते हैं कि $10 बोनस जो मिल रहा है, तो वो तो अब सबको सारे रेडियो के यूजर्स को नहीं भी होंगे तब भी पता चल गया होगा कि कार्ड्स खरीदने में पैक्स खरीदने में 50% बोनस यूज होता है, तो ये भी सबसे बड़ा फीचर है। तो आपका जो पैक्स है वो मतलब पहले ही 50% ऑफ हो गए, फिर अब यहाँ पे जो आप $4 से $5 पा रहे हैं उसका यूज करेंगे तो वो पैक आपको फ्री में मिल गया। और फ्री में मिलने के बाद भी यहीं पे नहीं खत्म हो जाता, उसके बाद मिलता है गारंटीड विनिंग, क्योंकि उतने यूजर ही नहीं ज्वाइन कर रहे हैं जितने प्लेस तक ये रिवार्ड्स दे रहे हैं, तो मतलब कि सबके सब यहाँ पे प्राइज जीत के जा सकते हैं। और आज के डेट में मुझे नहीं लगता कोई साइट ऐसा कर रहा होगा कि जो आए सब लेके जाओ, मतलब कि पूरी तरह से लुटा रही है ये साइट। यस बिल्कुल, तो ये ऑफर का आप बिल्कुल प्रयोग करें, ऐप लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अब हम चलते हैं स्क्वाड्स की तरफ, एंड स्क्वाड्स में हम थोड़ा इंटरेस्टिंग रख रहे हैं, सब हमारे जो सारे एक्सपर्ट्स है, एक पिक हैदराबाद से, एक पिक चेन्नई से, बट क्योंकि थीक्षणा इतना डिस्कस हो गया तो उनको हम इस सेक्शन से छोड़ेंगे, तो एक एक पिक स्टार्ट करेंगे हम आकाश सर के साथ। हुआ योर पिक सर, चेन्नई हैदराबाद 1 पिक ईच। ओके सो ऋतुराज गायकवाड मेरी एक पिक है जो कि जिसमें NS23 भी मिलता है, तो फिर इम्पोर्टेंट है ऋतुराज गायकवाड, मुझे लगता है रन बनाने चाहिए जिस तरीके की बैटिंग वो कर रहे हैं। वो मेरे हो गए चेन्नई के पिक, और हैदराबाद की अगर लिस्ट दिखा दोगे तो उसमें से भी एक पिक करके आप बताया तो हम फटाफट से जरा लोड कर देते हैं वहां पर। yes, 4 नंबर पे मार्क्रम आते हैं, तो 4 नंबर पे यहाँ हमें कोई और दिखेंगे, कौन है ओजी भाई? 4 नंबर पे हर्षल गिब्स ओजी है, आप उनको भी रख सकते हैं, वरना तो वैसे मन ये भी है कि आप नंबर 3 वाला जो है ना राहुल त्रिपाठी, उसमें भी NS23 लगा हुआ है, तो वो दोनों मेरे पिक्स रहेंगे, दोनों स्पिन अच्छी खेलते हैं और दोनों एक्चुअली पिछले 2 मैच आउट होके आ रहे हैं, तो लॉ ऑफ एवरेजेस जो है वो कहेंगे भैया कभी तो रन बनाएंगे। 2 गुड प्लेयर्स हैं जो 3 टाइम्स फेल हो जाए, 2 गुड प्लेयर्स 3 टाइम फेल नहीं होते, तो दोनों के ऊपर मैं चांस ले रहा हूँ। एंड सर, अभी आपने राहुल त्रिपाठी की बात कर ही ली है, तो जो उनका जडेजा के साथ मैचअप है जहां वो 2 बार आउट हुए हैं, स्ट्राइक रेट भी कुछ अच्छा खासा नहीं है इन दिस कंडीशंस, आपको क्या लगता है कि ही'ल टैकल जडेजा बाय गोइंग ऑल आउट, कि वो उनके सामने थोड़ा कॉशन वाला अप्रोच लेंगे? वो आउट हुए हैं, वो मैचअप्स रहेंगे आपके पास हमेशा, पर मैचअप का मतलब ये नहीं होता वॉकिंग विकेट है, ऐसा नहीं है कि आएंगे और वो पहली बॉल डाले और बंदा आउट,
तो वो नहीं होता है। और जड्डू के भी 24 ही बॉले हैं, 24 बॉलों में कितनी बॉले आप खेलते हो ये एक मेंटल मैथ थोड़ी हर बल्लेबाज करता है कि उसे भी पता, अगर मुझे पता आपको पता तो उसको भी पता है कि मेरा मैचअप है। अब हैरी ब्रुक को भी पता है कि वो यार लेग स्पिन के सामने मैं फंसता हूँ, तो या तो फिर आप जिद्दी हो जाते हैं, कहते हैं मैं तो आई विल टेक हिम ऑन और इस बार तो मैं जीतूंगा, या फिर आप कहते हैं चल यार मतलब मेरे सामने अगर 2 ओवर भी ये डालेगा तो उसमें से मैंने तो सिर्फ 4 ही बॉले खेलनी है, 7 वाला भी तो कोई खेलेगा, तो 4 बॉले मैं नहीं लेता चांस, सिंगल सिंगल ले लेता हूँ, बाकी दूसरा खेल लेगा और फिर दूसरे को मारूंगा। तो जहां पे दोनों खड़े हैं राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़, आई एम अज्यूमिंग कि दोनों थोड़ा सा और सेंसिबली खेलेंगे, सेंसिबल प्लेयर हैं, अटैक करते दोनों हैं पर दोनों सेंसिबल हैं, तो मेरे ये दोनों चॉइसेस हैं। यस एब्सोल्युटली, ये है फैंटेसी गोल्ड एंड पिक्स गोल्ड की यू शुड विजुअलाइज द गेम, यू शुड थिंक अबाउट दोज फैक्टर्स की मैचअप तो है बट क्या वो बैट्समैन वो बॉलर को फेस भी करेगा कि नहीं, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड थिंक अबाउट जब आप वो पिक्स करो। अक्षय ओवर टू यू, हैदराबाद हु इज योर फर्स्ट पिक? देखो हैदराबाद से आकाश भैया ने ले लिया हर्षल गिब्स को, मतलब मार्करम को, तो मैं जाने वाला हूँ थोड़ा हटके, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चलेंगे, मैं जाऊंगा उमरान मलिक के लिए। और अच्छी बात क्या है, NS23 पे यस है तो मेरी तरफ से भी प्यार भरी हाँ है उमरान मलिक के लिए। उमरान मलिक को लूंगा मैं इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हैदराबाद पहले बॉलिंग करेगी तो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, लोग इसको ड्रॉप करके आएंगे ये सोच के कि एक ड्राइव कर ले, तो ये जितने विकेट लेगा ना उतना मुझे फायदा होगा। तो उमरान भाई पे हम लोग आज पहला हैदराबाद से मैं उमरान को लूंगा। और जब मैं चेन्नई से बात करूं तो चेन्नई से अगर हॉट फॉर्म में कोई है तो दिवोन कॉनवे, और दिवोन कॉनवे के लिए जाऊंगा मैं फिर चेन्नई की तरफ से। ये दो रहेंगे पिक, और तीसरा भी लेना होगा, वैसे तीसरा अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं चुपचाप कार्ड लगा दूंगा वरना फिर सारे नहीं जीत जाएंगे। जी बिल्कुल फेयर बात है। ओवर टू यू शुभम, चेन्नई की आपकी पहली पिक, तीक्ष्णा तो नहीं बोल सकते आप। सर अब सभी लोगों ने यहाँ पर जो बेहतरीन दो प्लेयर्स थे ऋतुराज गायकवाड़ डेवन कॉनवे का नाम तो ले लिया है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको बताऊं तो आज के मैच में मैं डेवन कॉनवे का कार्ड जरूर यूज करूंगा। क्योंकि कॉनवे का अगर मैं आपको बताऊं तो इस मैदान पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 48 के आसपास की एवरेज है इस मैदान पे डेवन कॉनवे की। प्लस हैदराबाद के आगे भी वो अच्छा करते हैं, आई थिंक एक ही मैच हैदराबाद के आगे खेले हैं जहाँ पे 85 रन के आसपास उन्होंने बनाए हैं, और कॉनवे स्पिन भी अच्छी खेल लेते हैं। तो डेवन कॉनवे मैं CSK की तरफ से अपनी टीम में लेके चलूंगा, प्लस उनको कैप्टन भी करूंगा। आज मैं चाहे ब्रॉन्ज पैक में खेलूं या फिर सिल्वर कॉन्टेस्ट में, गोल्ड में या फिर ब्लैक में, मैं आज डेवन कॉनवे को अपनी हर एक टीम में, हर एक कॉन्टेस्ट में कैप्टन करूंगा। रीजन सिंपल सा है कि उनका हैदराबाद के आगे रिकॉर्ड अच्छा है। अगर मैं हैदराबाद की टीम से बात करूं तो सर हैदराबाद की टीम से मैं हर्षल गिब्स का कार्ड यूज करूंगा, क्योंकि एडन मार्करम एक ऐसे प्लेयर है जो कि आपको स्पिन भी अच्छी खेल के देते हैं, प्लस वो यहाँ पर ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे लगता है आज के मैच में एक अच्छी पारी खेल सकते हैं। क्योंकि अगर हम हैदराबाद का टॉप ऑर्डर देखें तो उतना ज्यादा मतलब वो नहीं है उनपे, मतलब ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया जा सकता। हैरी ब्रूक कभी देखिए स्पिन के सामने अटकते हैं, हिट एंड मिस टाइप के ही बल्लेबाज अभी आप कह सकते हैं। मयंक अग्रवाल का फॉर्म नहीं है साहब अभी उनके साथ, राहुल त्रिपाठी हैं जो चलिए थोड़ा बहुत स्कोरिंग कर रहे हैं बट लास्ट 2 मैचेस में राहुल त्रिपाठी के भी रन नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आज हर्षल गिब्स हैदराबाद की तरफ से एक अच्छी पिक रहेंगे। हर्षल गिब्स को मैं अपनी टीम में लूंगा बट कैप्टन नहीं करूंगा, मैं आज कैप्टन अपने हर एक कॉन्टेस्ट में डेवन कॉनवे को ही करूंगा। यस फेयर इनफ, ओवर टू यू सिद्धांत भाई। देखिए अब सारे सेफ पिक्स तो हो ही गए हैं, तो पिच के हिसाब से मैं थोड़ा सा कुछ हट के पिक लूंगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्पिन फ्रेंडली होना चाहिए, तो अगर मुझे चेन्नई से लेना पड़ेगा ना तो चेन्नई से मैं जाऊंगा मोइन अली के साथ। हालांकि उनके बैटिंग का भी उतना भरोसा नहीं है, प्लस सामने लेफ्ट हैंडर्स नहीं है, लेकिन मैंने देखा है धोनी को क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब स्पिन फ्रेंडली होता है तो ये लेफ्ट राइट वाला फैक्टर नहीं देखते, तब वो मोइन 3 से 4 ओवर भी करते हैं। और प्लस वो बैटिंग बैकअप में मतलब स्पिन क्रसर हैं, विकेट जरूर देते हैं लेकिन उनको टारगेट जरूर करते हैं, और 1-2 ओवर भी हिट कर दिए तो वो अपना काम करके जाएंगे। तो मेरे लिए थोड़ा सा हटके पिक होने वाले हैं मोइन अली। और अगर हम जाएं हैदराबाद से तो हैदराबाद से भी लगभग सारे ने सेफ पिक कर लिया है, तो वहां पे मैं या तो जाऊंगा मार्को यानसीन के साथ। रीजन आजकल वो कटर्स का अच्छा उपयोग करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे लेकिन अभी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके कटर्स फंसेंगे। प्लस वो जो आजकल एक्स्ट्रा बैटिंग बैकअप दे के आ रहे हैं, आते ही मतलब 20-25 रन की भी गारंटी वो दे रहे हैं, तो उसके कारण मैं शायद उनको प्रीफर करूंगा। यस वेरी फेयर तो कॉल्स देयर ये एंड मेरे मतलब थोड़ा हट के पिक है लेकिन पिच के हिसाब से लॉजिकल है यस और थोड़े बिल्कुल रिस्की भी है ये बहुत। यस थोड़े रिस्की भी है एंड हम बात कर रहे थे मेरे दुखती नस के बारे में, तो ये रही मेरी दुखती नस जो लास्ट गेम में नहीं खेले और है हमारे ब्लैक कार्ड। बट अब सिद्धांत भाई, सिद्धांत
ने हमें वो ऑप्शन दे दिया है, तो हम जाएंगे आज मोइन अली के साथ। एंड जैसे सिद्धांत भाई ने स्टार्ट में ये भी हाईलाइट किया था कि यहाँ पर विनिंग्स करेंटली गारंटीड है लास्ट रैंक तक, तो आप देख सकते हो 238 टीम्स ने ही करेंटली ज्वाइन किया है, बट विनिंग्स है यहाँ पर 458 रैंक तक। तो ये लीग अब तक तो भरी नहीं है, तो अच्छा चांस है कि आप खाली कार्ड लोगे, पार्टिसिपेट करोगे एंड जीत जाओगे, क्योंकि यही तकलीफ आज मेरे पास भी होगी, क्योंकि मेरे जो गोल्ड कार्ड्स है काफी तरह नॉन प्लेइंग हो सकते हैं अनलेस आदिल या अकील को आज वो क्रीज पर उतार लें। सो ओवर टू दैट एंड वांट, अभी आप सबके व्यूज ले लेंगे एक एक करके। आपको क्या लगता है, वी विल स्टार्ट विद द ब्रॉन्ज सेक्शन, द ब्रॉन्ज कार्ड्स। एंड कुछ लोगों की ये भी सवाल है कि आईफोन पर ऐप कैसे डाउनलोड होगा, तो करेंटली आईफोन पर ऐप नहीं है, बट आप वेबसाइट से जरूर खेल सकते हो। एंड आप अपने सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, वील टेक अप ऑल द क्वेश्चंस जैसे हम अपने एक्सपर्ट्स की पिक्स ले लें। तो एक एक पिक यहाँ से, वी विल स्टार्ट विद आकाश सर, हु इज योर फर्स्ट पिक फ्रॉम हियर सर? वुड यू गो विद भूवी, डेविन और एनी अदर लेफ्ट फील्ड पिक फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर मी? नहीं, उसमें तो एक्चुअली आपके पास डेवन कॉनवे थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। महेश तीक्ष्णा भी हैं, पर हो सकता है, पता नहीं है, ये कप्तान हो सकता है, तीक्ष्णा ड्रॉप करके कहीं सेंटनर खिला ले, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी, डोंट रूल दैट आउट। वो भी काम वो कर सकते हैं, इज वेरी केपेबल ऑफ हैविंग अनदर लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि सारे राइट ही हैं सामने। तो डेवन कॉनवे इज द सेफेस्ट ऑप्शन, जो आपकी वॉल्ट में जितने नाम दिख रहे हैं उसमें, तो फिर आंखें मूंदो और बोलो डेवन कॉनवे। यस बिल्कुल। एंड अक्षय, आपको क्या लग रहा है, एनी चांस कि ऐसे ट्रैक पर आज अकील को खिला लें, कि टू मेनी लेफ्ट हैंडर्स फॉर दैट टू हैपन एंड फॉर मी टू सेव अकील फॉर अदर तो डे? सोने के भाव ही रह जाएगा, और जो गोल्ड कार्ड है वो आज मुझे लगता है नहीं यूज होगा। और दूसरी बात वीरेन भाई, इसको तुम वॉल्ट क्यों बोल रहे हो भाई? ये तो तुम्हारी आर्मर, ये इतने सारे वेपन्स रखे हुए तुमने यहाँ पे, मैं तो देख के हैरान हो गया। अगर कोई सबसे ज्यादा कमा रहा होगा ना यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से वो तुम ही होंगे, अरे ऐसा मोर देन कुछ ऑब्वियस। नहीं बहुत है। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार। देखो, पहला पिक तो हो जाता है कि मैं नहीं तो कॉनवे, सबसे पहले जाते हैं हम कॉनवे के लिए। दूसरा थिक्षाना आपके पास है ही ऑलरेडी, और अगर सेंडर बिल्कुल भी है आपके पास तो आपके तो मजे आ गए। नहीं, सैटनर तो नहीं है, आज जाके खोज लूंगा मार्केट प्लेस में। अब सैटनर बताइए, सब सबका ब्रह्मास्त्र रखा नहीं कंसेंसस हुआ आ और गया सारे हथियार यहाँ पे जमा कर रखे हैं। था। चलो, यहाँ पे हम लोग दो हो गए ना, हाँ, देवोन लास्ट पिक कॉनवे, आप महेश बता दो, अब दीक्षा। तीसरा है नहीं मेरे पास, बजट नहीं है नया चलो वाला कार्ड चलो लेने चलते हैं, का, थोड़ा सा स्क्रॉल तो करेंगे अपने अपना राइट साइड में, बस खत्म हो गया, इतना ही है। तो फिर इधर लेके चलिए, मैं देखता हूँ आपके पास क्या क्या है। तो बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, थोड़ा कम मार्को सस्ते भी में है मुझे दो यार। ना। मार्को एंसन भी है, एनरिक यहाँ क्लासे, पर वाह क्या बात है। तो मार्को और सब एंसन हो गया 20 मेरा एक्सपी है, तीसरा तो प्लेयर, 20x। ये हो गया तीसरा प्लेयर। एंड सिद्धांत, कैप्टन किसको बनाया अब यहाँ से, क्योंकि आपका यहाँ वो पे तो विदाउट डाउट मुझे कॉनवे लग रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा स्लो होता है तो आप तिछड़ा पे रिस्क ले सकते हैं, मतलब अगर स्पिन फ्रेंडली होता है तो तिछड़ा पे भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ कॉनवे है। ठीक है, तो सेफ खेलने में तो मजा नहीं है, तो हम थिक्षाना के साथ ही जाएंगे। एंड सिल्वर सिल्वर वाले, अब सिल्वर वाले लीग की तरफ चलते हैं एंड सिंपल रखते हैं सबका एक एक पिक, एंड कैप्टन सिद्धांत भाई का, वील कीप इट सिंपल, वन पिक फ्रॉम दिस सेक्शन। आकाश सर, एनीवन हु यू थिंक इज वर्दी इनफ टू फाइंड स्पॉट फॉर मी? उमरान मलिक, यस थैंक यू, उमरान इट इज। अक्षय, आपका पिक ये सेक्शन से, रैना ओजी है मेरा तो तो, आकाश भैया ने ले लिया, लेकिन मैं सुरेश रैना के साथ जाऊंगा। एंड आप सब सोच रहे होंगे कि सुरेश रैना क्यों, सुरेश रैना इज बैटर नंबर 3, तो जो भी नंबर 3 पर आएंगे अजिंक्य उनके रहाणे पॉइंट्स हो जाते हैं। मिलेंगे। अजिंक्य हाँ, रहाणे, तो करेंटली जो भी नंबर 3 पे आएंगे उनके पॉइंट्स जाएंगे रैना को, तो हेंस दैट इज व्हाई वहां पर प्लेस्ड है। एंड ऐसा लग रहा है कि करेंटली लास्ट पिक भी मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। शुभम, क्या लगता है आपको, आदिल रशीद आज खेल सकते हैं कि भूवी के साथ सेटल करना पड़ेगा? आप यहाँ पे ब्रॉन्ज कार्ड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको सिल्वर यूज बिल्कुल। करना है। अगर आपके पास ब्रॉन्ज कार्ड है जिसकी एक्सपी आपके पास बहुत है, तो आप उसको यूज कर लें। जैसे आपके पास कोई ब्रॉन्ज अच्छा कार्ड हो, आपके पास क्लासेन है। हेनरी क्लासन है, बट क्लासन बैटिंग नीचे करने आएंगे, मेरे हिसाब से आज के मैच में उतना कोई वो इम्पोर्टेंट पिक नहीं रहेंगे। थोड़ा सा शिवम टॉप दुबे, ऑर्डर पे शिवम दुबे को आप ले सकते हैं, बट शिवम दुबे का रिकॉर्ड खराब है, बट हाँ उनपे रिस्क लिया जा सकता है। शिवम दुबे का आपको बताऊं, हैदराबाद के आगे रिकॉर्ड खराब है, आई थिंक 4 के आसपास की एवरेज है हैदराबाद के आगे उनकी, और इस मैदान पे भी वो स्ट्रगल ही करते हुए दिखे हैं। तो शिवम दुबे पे रिस्क लेते हैं, शिवम दुबे हमारी एक पिक बन जाएगी। जी बिल्कुल। सिद्धांत, कैप्टन कौन ये सेक्शन में से?
ये सेक्शन में कैप्टन बनाना तो बड़ा मुश्किल है, सारे रिस्की कार्ड हैं। अगर आप रिस्क ले ही रहे हैं तो फिर उमरान मलिक पे रिस्क लीजिए, क्या या तो बुम होंगे या तो खत्म होंगे। जी बिल्कुल, बेस्ट पार्ट यही है कि यहाँ पर रिस्क भी ले रहे हैं तो एटलीस्ट हमें कुछ तो वापस रिवॉर्ड मिल ही रहा है, सो हेंस वो रिस्क लेने का मतलब भी बन जाता है। एंड आप अगर ये सोच रहे हो कि आप कार्ड ये कैसे पा सकते हो, बेसिकली आप यहाँ पर बाय सेक्शन में जाओगे तो करेंटली एक मैच पैक लाइव है जिसमें सिर्फ 3 कार्ड है, $60 का ये पैक है। आप जैसे बाय नाउ पे दबाओगे सीधा हाफ प्राइस हो जाएगा, क्योंकि आप ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहां से साइन अप कर लोगे तो वो बोनस मिल जाएगा। एंड जो बाकी का अमाउंट है जो 3.5, वो भी अब तक वो 100% वाला कैशबैक ऑफर चल रहा है, तो आप जल्दी से उसको अवेल कर लो एंड वो भी आपको मिल जाएगा 72 वर्किंग आवर्स में वापस आपके रैरियो वॉलेट में। सो जल्दी से जाइए अपने फ्री कार्ड फ्री अभी वाला खरीदिए, भी, फ्री वाला भी चल रहा है फ्री तो जो, बिल्कुल ही चल रहा है। बट करेंटली अभी तकलीफ क्या फ्री का है तो कि हम लोग कुछ नहीं हम सब छोड़ेंगे। इतना खेल चुके हैं कि अब हमें फ्री कॉन्टेस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फ्री कॉन्टेस्ट सिर्फ आपके लिए ही है जो आप साइन अप कर रहे हो नए नए, वो नहीं दिखेंगे ये फ्री कॉन्टेस्ट। एंड अब सब बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस हम ले नहीं रहे, तो ठीक है हम पहले क्वेश्चंस ही ले लेते हैं। हमारा पहला सवाल, ओके दिस ये तो काफी फास्ट जा रहा है। यूपीआई डिपॉजिट ऑप्शन करेंटली नहीं है, बट आप यूपीआई से अपना पैक जरूर खरीद सकते हो। तो इनकेस आपको पैक डायरेक्टली खरीदना हो या पिक्स आपको डायरेक्टली खरीदने हो तो वो आप कर सकते हो थ्रू यूपीआई। डिपॉजिट ऑप्शन अब तक वहां पर नहीं है। आपके कोई भी मैच से रिलेटेड सवाल हो आप क्वेश्चंस में आप कमेंट्स में डाल सकते हो, आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिकली वो आंसर करे तो आप वो भी वहां पर मेंशन कर सकते हो। वीरेन भाई, मैं एक चीज सजेस्ट करूं बिल्कुल। यार, आज अपोनेंट को जीतने दो, अपने और सिसामदा मगाला ले लो। सबसे बेस्ट देखो है, हमें भी देखो, कमाने दो यार यहाँ पे। बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर मैं उसे भी ले लूंगा तो भी मुझे मिनिमम वो तो रिवॉर्ड मिल ही जाएगा ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ ना एक मिले। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रोहित काले का, ओजी कार्ड से रिलेटेड है वो। सब हॉस्टल गिफ्ट का नाम ले रहे हैं, वो 434 रन चेस के बाद दिखे नहीं, 434 रन चेस मतलब साउथ जो अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। चेज हुआ था हाँ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। बट लास्ट टाइम केकेआर के सामने तो काफी अच्छा खेले थे वो, एंड यहाँ पर अगर पिच थोड़ा भी स्लो हुआ तो बोलिंग के भी आसार हैं जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं सामने वो हिसाब से, तो आई थिंक सेफ पिक है काफी। आज का प्लेयर टू अवॉइड कौन होगा, ये है सबसे आस्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज एड्रेस टू आकाश सर एंड अक्षय। सो आकाश सर मे बी योर वन प्लेयर फ्रॉम हैदराबाद एंड देन अक्षय मे बी आपका एक प्लेयर चेन्नई से, प्लेयर टू अवॉइड बट थोड़ा हाई सिलेक्ट वाला, ऐसा नहीं कि एनीबडी हैरी जो नीचे नीचे के साइड से। हैरी ब्रूक छोड़ दो, हैरी ब्रूक सिसांदा वेल मगाला, मैं डॉक्यूमेंटेड सिसांदा एंड मगाला, भाई हैरी वो खेलने नहीं ब्रूक वाला आज। जब भी, तो और प्लेयर टू अवॉइड है। शिवम दुबे भी हो सकता है, शिवम दुबे क्योंकि पिछले मैच में अच्छा करके आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि सिलेक्शन बहुत ऊपर होगा, पर दुबे कैन बी अवॉइडेड, दुबे कैन बी अवॉइडेड चेन्नई के मैदान पे। फेयर इनफ। अक्षय आपको भी सेम ही सवाल है सबका, तो बताइए आपका कौन होगा वो प्लेयर टू वर्ड जो प्लेइंग 11 में होगा वो ही। हाँ, जो प्लेइंग 11 में, अब जोक्स हाँ अपार्ट चलते हैं, क्योंकि अब कमाने वाली चीज आ गई ना। तो हम लोग अगर हैदराबाद से जाते हैं तो हम मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रूक, राहुल त्रिपाठी, इन तीन में से किसी भी दो को हटा सकते हैं, तो ये काफी अच्छा वो मिल जाएगा, मैं एज देके जाएगा एक। और साथ ही साथ अगर चेन्नई से जाएं, जो हाई परसेंटेज वाला हो ना, जो हाई परसेंटेज वाला हो, दोनों ओपनर में से कोई एक फ्लॉप होगा तो क्या किया जाए, कौन सा? मोइन अली, मैं मोइन अली को बोलूंगा प्लेयर टू अवॉइड आज के मैच में। यस फेयर इनफ, क्योंकि अगर उमरान वापस आ गए तो वो बाउंसर उन्हें जरूर ट्रबल करेगा। एक और कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रैंड लीग ऑप्शंस का, तो ये हम स्टार्टिंग में कवर कर चुके हैं थ्रू आर पिक्स, तो वो आप पहले देख सकते हो। क्या बेन स्टोक्स आज खेलने वाला है, क्या हमारे किसी एक्सपर्ट के पास ये नहीं इंफॉर्मेशन नहीं खेलने है? वाला, नहीं खेलने वाला, ट्वेंटी अनलाइक सेवेंथ या 30th, दो मतलब लाइकली डेट्स दिया गया है कि शायद उस समय तक खेल सकते हैं, तो अभी तो नहीं पॉसिबिलिटी बाकी विराट कोहली से पूछ के बता देंगे। वो एकदम, वो तो हर मैच में खिलाते हैं अपने साथ। दैट वाज शार्प सर, दैट वाज वेरी शार्प। किसी के साथ यूज कर ही देते हैं। आज
आज क्या सुंदर सेफ ऑप्शन हो सकते हैं? तो सुंदर के बारे में मैं दो बार बात कर चुका हूं कि वो होम साइड से भी खेल रहे हैं क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है, प्लस हैदराबाद के हिसाब से काफी लेफ्ट हैंडर्स है तो बोलिंग भी नंबर आ ऑफ सकती है। डिफेंडर्स भी हैं अच्छे खासे। बट उनके फॉर्म के हिसाब से एंड जो रिसेंट उनका फॉर्म है, एनी थॉट्स कि अगर आप में से कोई उनको अपने बेस टीम में लोगे जो सेफ टीम है आपकी, क्योंकि जीएल में तो सब लेंगे। मैं लूंगा अगर पिच होती है स्पिन फ्रेंडली, कंफर्म लूंगा। स्लो विकेट हुआ मैं ले लूंगा। वो बैटिंग में भी पॉइंट्स हाँ देके जाएंगे, ये ध्यान रखना बैटिंग भी आ सर। जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वो कभी कई इंडियन बैट्समैन से अच्छा बैटिंग करते हैं इस समय इंटरनेशनल में भी। काफी अंडररेटेड है लेकिन बैटिंग बहुत ही अच्छा करते हैं सुंदर। यस, अति फेयर इनफ। सुंदर एंड आज कौन होगा स्मॉल लीग में आप सबका सेफ कैप्टन? ये एक और है सवाल आप सबकी तरफ, एक एक करके आप ये तो बता क्लियर सकते हैं। इंडिकेशन है आज सभी का कि डेवोन कॉनवे सभी के सेफ कैप्टन रहने वाले हैं। मेरे आप मार्करम क्योंकि वो मार्करम ज्यादा सेफ हो गए वो ज्यादा सेफ हो गए क्योंकि वो आज थोड़ा बहुत बॉलिंग का भी बैकअप दे देंगे। लेफ्ट हैंडर्स हैं सामने टीम पे तो होपफुली शायद वो आज एक या दो ओवर की बॉलिंग भी दे दें। बट कहीं ना कहीं एडन मार्करम मेरे वाइस कैप्टन, कैप्टन मेरे कॉनवे। मेरा थोड़ा सा रिवर्स रहेगा यहाँ पर ऑप्शन। आकाश सर आपका? मार्करम और ऋतुराज, एक्चुअली आई एम गोइंग स्लाइटली लेफ्ट फील्ड। मैं डेवन को शायद कप्तान ना बनाऊं, यानी कि ऋतुराज मुझे चेंज एंड करना होगा सर। वो टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर करता देना हूँ चाहिए सम सीक्रेट सेफ फॉर देयर। आज की पिच कैसी होगी और कैसे ज्यादा सपोर्ट करेगी? तो ये हमने थोड़ा स्टार्ट में कवर कर लिया कि जो पिच कंडीशन है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा स्लो होगा, टर्न को सपोर्ट करेगा। बट यहाँ पे दो गेम्स हुई है, सेकेंड गेम में थोड़ा टर्न हुआ था, फर्स्ट गेम जो था काफी अच्छी थी बैटिंग के लिए। सो पिच रिपोर्ट विल बी क्रूशियल, सो ट्यून इन टू आकाश सर टेलीग्राम फॉर टू गेट ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैप्पी बर्थडे टू अक्षय भाई। अक्षय भाई आपका अरे बर्थडे आज? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषि भाई अच्छा, मेरा कहाँ से बर्थडे आ गया? अक्षय भाई ये छुपा रहे हैं जबरदस्ती। अक्षय भाई बता दीजिए, अब तो कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं अगस्त सारे यहाँ अगस्त पर। में जाके आएगा। ये है एक होक्स। एंड डू यू थिंक अंबती राइडू कैन बी पिक टुडे? अगर आप पिक करोगे तो कौन से सिनेरियो में पिक करोगे? ये है और एक और सवाल। चेजिंग चेजिंग में कर सकते हो अगर करने का मन करे। पहले बैटिंग में तो अंबती राइडू का जगह नहीं कर पाएगी। ठीक है, और मैं फेयर अगले इनफ। मैच में पिक करूंगा। और ये अगले मैच में पिक करेंगे, चलो ये भी सही है। मैं किसी मैच में नहीं पिक करूंगा। और तुम्हारी एंड तो नेक्स्ट ओ सवाल ये है भाई जो काफी फैंस का भी होगा एंड मेरा भी पर्सनली है, क्या धोनी की बैटिंग आज आएगी? आएगी तो एनी सही, चांस? पर बैटिंग बॉलों करते के लिए हुए, आएगी ये नहीं कह सकते। फर्स्ट बैटिंग करते हुए तो जरूर आपको दिखेंगे वो बैटिंग करते हुए। इस पिच पे धोनी से अच्छा किसी का रिकॉर्ड हो नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन स्पिन खेलते हैं। बस वही है कि आजकल वो दूसरों को मौका ज्यादा दे रहे हैं, अपने थोड़ा नीचे आ रहे हैं, बस यही प्रॉब्लम है। मतलब अगली CSK बिल्ड कर रहे हैं वो एक तरीके से। यस, बिल्कुल फेयर इनफ। एंड हम लेंगे लास्ट दो और सवाल, बट उसके पहले एक और चीज आपको बताना भूल गए हम, जो हम अभी के अभी आपको एक और बता देंगे वो सरप्राइज, है। नहीं, एक और सरप्राइज तो नहीं है, ये चीज आप सबको बता चुके हो, बट इन केस कोई भूल गया तो हमारा जवाब और ड्यूटी है यहाँ पर उन्हें रिमाइंड करने का कि जो 100% कैशबैक वाला ऑफर है, कुछ लोग कंफ्यूज थे कि ये कैसे अवेल करोगे आप। तो आप सिंपली पहले साइन अप करोगे रैलियो पर, आपको मिल जाएंगे 1600 बोनस। जैसे आप साइन अप करोगे आप खेल सकते हो वो ट्रायल कॉन्टेस्ट जिनके बारे में सिद्धांत भाई बात कर रहे थे। आप ट्रायल कॉन्टेस्ट खेलोगे तो वो ट्रायल कॉन्टेस्ट से भी आपका कैश जीतने का मौका है। नहीं भी जीते, जो पहला पैक है फर्स्ट ब्रॉन्ज मैच पैक जो हम आपको दिखा रहे थे $60 का स्क्रीन पर, वो आपको मिल जाएगा 100% कैश बैक उस पर आपके रैलियो वॉलेट में, जैसे आप खरीदोगे 72 वर्किंग आवर्स में। एंड फिर सिंपली आप उसको यूज कर सकते हो। बेस्ट कार्ड है इस बात का कि आप ये कार्ड बार बार यूज कर सकते हो थ्रू आउट द सीजन, IPL में भी एंड आगे के इंटरनेशनल मैचेस में भी आप इन कार्ड्स को यूज कर सकते हो। एंड बिफोर वी क्लोज, टू मोर क्वेश्चंस। रविंद्र जडेजा सेफ पिक फॉर टुडे एंड क्या आप में से कोई उन्हें कैप्टन बनाओगे आज? बहुत सेफ, बहुत अच्छे पिक हैं। और रविंद्र जडेजा को छोड़ना मत, खास तौर पे जब CSK पहले बैटिंग कर रही होगी।
आज के पिच पे तो वैसे वो अच्छे ही पिक है, इवन वीसी के ऑप्शन भी ठीक ठाक है, ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स भी नहीं है, बाकी पिच भी उनके सपोर्टिव है और बैटिंग आई जाती है 10-15 रन लायक तो। यस फेयर इनफ। एंड लास्ट क्वेश्चन हियर इज फोर बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम एसआरएच, नाउ दैट वी हैव ऑल फोर ऑफ यू हियर, वन ईच, हु आर योर फोर बेस्ट प्लेयर्स फॉर टुडे, वेदर इट्स पंट्स और वेदर इट्स सेफ, जैसे भी आपको सही लगे। हर्षल गिब्स, मार्क आकाश सर आपका, मयंक मारकंडे। यस ऑन दिस पिच नो, हमने ये डिस्कस ही नहीं किया अब तक कि मयंक मारकंडे का कितना इम्पैक्ट होगा इस ट्रैक पर, बट यस वेरी वेल शुभम प्लेड आकाश भैया, वेरी वेल प्लेड। पिछले मैच में विकेटलेस गया था, मुझे बड़ा दुख हुआ था, पर हर बार नहीं होगा, गुड बोला। नहीं, बॉलिंग अच्छा किया था उन्होंने, कई नो मैन्स लैंड में गिरा था, थोड़ा लक खराब था, नहीं तो विकेट मिलता। जी बिल्कुल, तो ये रहा हमारा आज का मेरे सेशन। सुंदर रहेंगे अगर पिच वैसी होती है जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। मेरे भी वही पिक है, सो सेम आंसर, नो डिफरेंस। शुभम नाइस पिक आपका, डियर। सर टी नटराजन, थोड़ा अगेन सा यू हटके है पर आर टी शटर्स नटराजन ऑन दिस ट्रैक। फर्स्ट बॉलिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक। क्योंकि वो जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं वहां विकेट निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, और उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि सीएसके के आगे उन्होंने बेहतर किया है फास्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि टी नटराजन एक अच्छी पिक है। जी बिल्कुल, सो ये रहा हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु ट्यून्ड इन। आप हमारे सारे एक्सपर्ट से क्लोजिंग कमेंट्स के पहले जरूर याद रखना कि जो सचिन तेंदुलकर का एनएफटी पैक रजिस्ट्रेशन है वो अब खुल चुका है, तो आपको क्या करना है, जाके सिर्फ साइन अप करना है, जो ऐप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएंगे 1600 रुपये, एंड जैसे आप ये पैक खरीदोगे आपको मिल जाएगा एक गारंटीड मौका टू मीट द गॉड ऑफ क्रिकेट वर्चुअली ऑन जूम, एंड साथ साथ आप ऑब्वियसली उनका कार्ड तो यूज ही कर सकते हो D3 में और जीत सकते हो ढेर सारे रिवॉर्ड्स। एनी क्लोजिंग कॉमेंट्स आप सबसे बिफोर वी क्लोज द सेशन? ये जितने भी हैं फैन सचिन के ना, मतलब ये कार्ड मत मिस करें, बहुत ही बेहतरीन मौका है। एक ऐसा हाँ, मैंने पैटर्न आपको रिजर्व मिल रहा कर है भी लिया ये जो कार्ड। अच्छा हो बिल्कुल सही है गया। शुभम भाई, अब सबसे पहले मैं ये लाइव होते ही ना सबसे पहले मैं वहां जाने वाला हूँ कि भैया मैंने दो चार आईडी पांच से रिजर्व पैटर्न कर कर लिया है, जाऊंगा मैंने। मैंने दो आईडी से रिजर्व कर लिया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सचिन एक सर से बार मिल मौका जाए, मिल जाए, बिल्कुल सही पूरे बात है, फैमिली को चुपचाप मौका यार ऐसे कुछ करो मिलेगा। यार। पूरा का पूरा, तो भाई जितने भी लोग मेरा ये देख क्लोजिंग रहे कमेंट तो हैं, ये है, सी पाजी से क्या मैं तो मिला हूं, तो मैं मेरा जो क्लोजिंग कमेंट है वो है कि भैया फ्री में जो मिल रहा है वो तो पक्का ले लो, ये तो फेयर फिर भी फेयर खरीदना पड़ेगा, प्लीज खरीदो, पॉइंट। लेकिन जो फ्री में मिल रहा है, एंड मतलब आई मीन रियल कैश, जैसे अभी कहा था ना सिद्धांत ने, रियल कैश नहीं मिलता है ये, आपको कैश बिल्कुल बोनस मिलते हैं जो फिर आधे कभी यूज होते हैं कभी नहीं होते हैं, या तो 50% पैक ड्रॉप पे मिल जाता है आपको, वहां आप खरीद सकते हो, और वैसे भी आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आई मीन ये तो मत छोड़ो यार, मतलब पाजी वाले में तो फिर भी थोड़े पैसे लगेंगे, पर ये डू नॉट लीव इट एट ऑल, जस्ट अभी क्या लिए। यस एब्सोल्युटली, सो दैट्स द ऑर्डर ऑफ द डे। आकाश सर से फ्री का माल कभी मत छोड़िए, एंड कैसे पा सकते हो, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहां से पा सकते हो सारे न्यू यूजर्स के लिए। एंड अगर अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन है हाउ टू प्ले ऑन रैलियो, कैसे खेल सकते हो आप रैलियो पर, तो आप जिसके भी चैनल पर ये देख रहे हो उन सब ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है एक हाउ टू प्ले वीडियो, तो आप जाकर वो जरूर देखिएगा, जल्दी से उन्होंने एक्सप्लेन किया है वहां पर कि आप कैसे खेल सकते हो। आई होप आप सबको ये लाइव पसंद आया, एंड जल्दी मिलेंगे एक और सेशन के लिए। थैंक यू सो मच टू द पैनल, एंड थैंक यू सो मच आकाश सर, सिद्धार्थ, थैंक शुभम एंड अक्षय। यू भाई, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।